जो भी बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 में आईआईटी जेई का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को मालूम है कि आपका जो जेई मेन सेशन वन एंड सेशन टू ऑलरेडी कंडक्ट करवाया जा चुका है एंड उसका जो रिजल्ट है वो भी आपका आउट हो चुका है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम वन्ना एंड टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स। सो जो भी बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 में आईआईटी जेई का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को मालूम है कि आपका जो जेई मेन सेशन वन एंड सेशन टू ऑलरेडी कंडक्ट करवाया जा चुका है एंड उसका जो रिजल्ट है वो भी आपका आउट हो चुका है। सो अब जो भी बच्चे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे वो जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे थे, कब जो इसका पोर्टल ओपन होगा, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा एंड क्या लास्ट डेट रहेगी इसके एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी। सो एनटीए ने फाइनली एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो जेई एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है 27 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया है एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी रजिस्ट्रेशन करवाने की वो 7 मई आपकी लास्ट डेट है जेई एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके अलावा आपका जो लास्ट डेट ऑफ फी पे करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 10 मई। 10 मई तक जो है आपको अपने फ़ी जो है वो कंप्लीट पे कर देनी है ताकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए। एंड उसके अलावा जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो 17 मई से मई को आ जाएगा, जो कि आप 26 मई तक जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की साइट पे जाकर के। एंड आप सभी को मालूम है कि आपका जो जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी बच्चे आईआईटी जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सही बच्चे जो है अपनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट उनकी कंप्लीट हो ही चुकी होगी, रिवीजन कर रहे होंगे वो बच्चे अपना, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। सो आप जो है जेई एडवांस की साइट पर जाकर के अपना जेई एडवांस का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं एंड अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट करवा सकते हैं। थैंक यू।